Hello friends, welcome to our YouTube channel Success Mantra Hindi. और आप देख रहे हैं English Speaking Course का ये lesson number 53. इसमें आज हम बात करेंगे use of keep on. बहुत important topic रहेगा, सबसे ज़्यादा use होने वाला है. तो चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कीप ऑन का मतलब होता है करते रहो, यानी किसी काम को या किसी क्रिया को करते रहने की बात हो रही है. तो इसको कैसे बनाएंगे, कीप ऑन उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसको हम बनाएंगे, फिर अदर वर्ड्स हम लिखेंगे, बाकी सब कुछ टेंस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा. कीप की भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कीप कैप्ट कैप्ट यूज होगा. तो चलिए हम इनको एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे. तो जैसे अभी हम सिंपल लेते हैं, सीखते रहो कीप ऑन लर्निंग या फिर कीप लर्निंग, पढ़ते रहो कीप ऑन स्टडिंग या फिर हम कीप स्टडिंग भी बोल सकते हैं. तो ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत कम यूज होता है, आपको कीप ऑन ही यूज करना है. अंग्रेजी सीखते रहो कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, करते रहो कीप ऑन डूइंग, लिखते रहो कीप ऑन राइटिंग, यानी आपको किसी काम को कंटिन्यू करते रहना है. अब हमें और एग्जांपल देखेंगे, बोलते रहो कीप ऑन स्पीकिंग, बहुत ही ईजी है ये. भागते रहो कीप ऑन रनिंग, गाते रहो कीप ऑन सिंगिंग, टीवी मत देखते रहो तो डू नॉट कीप ऑन वॉचिंग टेलीविजन. तो ये आई एन जी फॉर्म का आपको विशेष करके याद रखना है. कड़ी मेहनत करते रहो तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड. और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा वाक्य को हम बढ़ाते हैं. तो वे दिन भर गप मारते रहते हैं तो दे कीप ऑन गॉसिपिंग द होल डे लॉन्ग. तो ये प्रेजेंट में है, होल डे लॉन्ग माने पूरे दिन. वह हमेशा लिखता रहता है तो ही ऑलवेज कीप ऑन राइटिंग, है ना, ये उसकी आदत भी है. बच्चे हमेशा टीवी देखते रहते हैं तो द चिल्ड्रन ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग टेलीविजन. खुद को सुधारते रहो कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यानी कि कोई काम का होते रहना या करते रहना. चिल्लाते रहो कीप ऑन शाउटिंग, शाउट माने चिल्लाना. वह भागता ही रहा तो ही कैप्ट ऑन रनिंग. अब ये पास्ट की बात हो गई तो कोई काम पास्ट में होता रहा लगातार तो उसकी बात है. तो कीप की थर्ड फॉर्म हो गई कैप्ट ऑन. वह लिखता ही रहा ही कैप्ट ऑन राइटिंग. वह सोता ही रहा ही कैप्ट ऑन स्लीपिंग. मैं एक और टेंस यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, मैं बोल देता हूँ, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट. जैसे कि इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है तो द ह्यूमन बींग्स आर कैप्ट ऑन लर्निंग इन होल लाइफ. द ह्यूमन बींग्स आर कैप्ट ऑन लर्निंग इन होल लाइफ. तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, इसको आप ज़रूर लिखिए और बोलिए. तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे और बाकी आप बाकी अपने मन में सोच करके और पैटर्न के थ्रू बना सकते हैं. स्पीकिंग को अच्छा करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए, मिस मत कीजिए. थैंक यू.